हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आई चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूजेस ऑफ मेटल्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन यूज हो जाता है आपका गोल्ड एंड सिल्वर जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कॉमन सॉल्ट की बात करें तो सोडियम उसका एक कॉम्पोनेंट होता है स्वीट्स uh, को डेकोरेट करने के लिए हम सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल्स का यूज़ करते हैं कई बार क्या होता है सोलर सेल्स कंप्यूटर्स मोबाइल्स इनमें फाइन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए भी सिल्वर एंड गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर और एलुमिनियम का इस्तेमाल गैजेट्स बनाने में भी किया जाता है एरोप्लेन्स में यूज़ होने वाला मेटल एलुमिनियम होता है एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए भी एलुमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स डक्टाइल होते हैं इसीलिए उनको वायर्स की फॉर्म में भी शेप दे सकते हैं मेलियबल होते हैं इसलिए शीट्स भी बन जाती हैं आयरन की बात करें तो एक छोटी सी सेफ्टी पिन ऑल पिन भी आयरन की बनी होती है और बड़े से बड़ी रेलवे ट्रैक्स भी आयरन की बनी होती हैं नॉन मेटल्स की बात करें तो आ, एसिड्स के फॉर्मेशन में सल्फर का यूज़ किया जाता है जो कि एक इंडस्ट्रियल केमिकल की तरह इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं क्रैकर्स में नॉन मेटल यूज़ होने वाला फॉस्फोरस होता है आयोडीन का टिंचर यूज किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है वाटर प्योरिफिकेशन में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर uh, की बात करें तो नाइट्रोजन का इसमें वाइड स्प्रेड यूज है जिससे प्लांट्स की ग्रोथ को हम इन्हेंस कर सकते हैं लाइफ uh, के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑक्सीजन जो कि ब्रीदिंग में हम इनहेल करते हैं जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एक मटेरियल होता है एक्वा रीगिया जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड एच का होता है रेशियो उसमें होता है कंसनट्रेटेड एच थ्री पार्ट्स होते हैं और वन पार्ट कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड का होता है तो रेशियो जाता है कंसनट्रेटेड HCl सी एल टू कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड इज थ्रीज़ टू वन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये इवन गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकता है जबकि कंसनट्रेट HCl सी एल अकेला या कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड अकेले गोल्ड को भी डिजोल्व नहीं कर सकते ये बहुत ही कॉरोजिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है और एक ऐसा रीजेंट है जो प्लैटिनम एंड गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकता है मेटल्स की हार्डनेस की बात करें तो जनरली हार्ड होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे पोटेशियम एंड सोडियम नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट एंड ब्रेटल होते हैं लेकिन एक्सेप्शन इसमें डायमंड हो जाता है मेटल्स जनरली मेलेबल होते हैं बट इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम एंड मर्करी आर नॉट मेलिएबल डकटिली की डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल्स जनरली डक्टाइल होते हैं बट मर्करी एंड सोडियम आर नॉट डक्टाइल। हीट कंडक्शन की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, विद द एक्सेप्शन ऑफ मर्करी एंड लेड नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट स्टिल हेयर दे इज वन एक्सेप्शन दैट इज ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात करें मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्शन ऑफ बिस्मथ एंड नॉन मेटल्स आर जनरली पोअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट हियर इज वन एक्सेप्शन दैट इज क्रेफाइड अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूमिनियम फॉइल्स को हम फूड आइटम्स को रैप करने में इस्तेमाल करते हैं क्यों इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मेलेबल होती है और फूड आइटम्स से रिएक्ट नहीं करती आपके फूड आइटम्स का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है उनकी फ्रेशनेस को मेंटेन करती है कुछ समय के लिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन इमर्शन रॉड्स जो होती हैं वो मेटेलिक सब्सटेंसेज की बनी होती हैं क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इसलिए इमर्शन रॉड्स आपकी मेटेलिक सब्सटेंसेस की बनी होती हैं दो ऐसे मेटल जो मेलियेबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं हम गोल्ड एंड सिल्वर का एग्जाम्पल दे सकते हैं एंड वन मेटल दैट इज लिक्विड दैट इज मर्करी एंड वन नॉन मेटल विच इज लिक्विड इज ब्रोमिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका मेटलॉइड्स क्या होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की दिखाते हैं और कुछ नॉन मेटल की उनको हम मेटेलाइड्स कहते हैं एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके सिलिकन एंड आर्सनिक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सिल्वर को मिरर्स बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये अच्छा रिफ्लेक्टर है इट्स अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट इवन नाइन्टी परसेंट लाइट वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है इसीलिए सिल्वर का इस्तेमाल मिरर्स बनाने में किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसा मेटल जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है दैट इज सिल्वर और ऐसा मेटल जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है दैट इज लेड अब हम जानेंगे कोरोजन क्या होता है और कोरोजन आयरन का हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन में क्या होता है जो आपकी मेटल की लेयर है वो वेस्ट हो जाती है क्यों क्योंकि मेटल कंपाउंड्स बन जाते हैं उसके सरफेस पे और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं कोरोजन आयरन के केस में हम रस्टिंग कहते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपकी ऑक्सीजन और मॉइस्चर उसके कॉन्टैक्ट में ना आए तो इसमें क्या कर सकते हैं पहला ऑप्शन आ जाता है आपका ग्रीजिंग एक ऑयल या ग्रीस की लेयर लगा दी जाती है मेटल के ऊपर ताकि एयर और मॉइस्चर उसके कॉन्टैक्ट में ना आए नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका गेलवेनाइजेशन इसमें क्या होता है कि आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर लगा दी जाती है जिससे वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना आए नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास पेंटिंग आप पेंट कर सकते हो मेटल की सर्फेस को ताकि वो एयर और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसमें क्या होता है टिन या क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर जाती है कर दी जाती है आयरन के ऊपर जो कि रेजिस्टेंट टू करोजन होते हैं उनमें क्रोजन नहीं होता और ये होती है प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका एलॉइंग आप कौन बना सकते हो ताकि वो रेजिस्टेंट टू तो करोजन हो जाए जैसे आयरन को अगर हम निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है जिसके हम बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी हद तक क्रोजन रेजिस्टेंट होता है और उसमें जंग नहीं लगता नेक्स्ट ऑप्शन आता है अगर आप एक मेटल और नॉन मेटल को हैमर करते हैं तो क्या होता है अब मेटल को अगर हम हैमर करेंगे तो हमें पता है कि इसमें मेलियबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है इसलिए वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा बट अगर आप नॉन मेटल को हैमर करेंगे तो वो ब्रिक हो जाएगा क्योंकि वो ब्रिटेल होता है अब एक ऑप्शन आ जाता है आपका कि अगर आपके पास एक मेटल की रॉड है और आपने उसका एक कोना गर्म पानी में डाल दिया तो आप दूसरे कोने पर भी थोड़ी सी हीट महसूस करेंगे क्योंकि होता क्या है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट तो हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है और इस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका क्वाइनेज मेटल्स कौन से होते हैं जिंक कॉपर ये क्वाइनेज मेटल्स होते हैं क्योंकि इनसे क्वाइंस बनाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट वेलियबल मेटल कौन सा होता है दैट इज गोल्ड सिल्वर एंड एलुमिनियम मोस्ट डक्टाइल होता है गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट ब्रिटल होता है सल्फर हार्ड मेटल्स होते हैं आपके कॉपर सिल्वर जिंक एंड आयरन सॉफ्ट मेटल्स होते हैं पोटेशियम एंड सोडियम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं आपके सिल्वर एंड कॉपर एलुमिनियम का इस्तेमाल हम एरोप्लेन्स बनाने में क्यों करते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है ऊपर से ये रेजिस्टेंट टू क्रोजन भी होता है काफ़ी स्ट्रॉग भी होता है इसीलिए हम एलूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है बिकॉज कॉपर इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कोई मेटल उसके आगे दूर दूर तक नहीं ठहरता इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एस्टिक फूड को हमें मेटल कंटेनर्स में जो कि कॉपर या एलूमिनियम के बने हैं उसमें स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि होता क्या है कि वो रिएक्ट कर जाते हैं मेटल कंटेनर से और फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिल्वर uh, को कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस में बनाने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच